सत श्रीकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं हाँ वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा, रियल एस्टेट दी दुनिया च बनिया परमन्या नाम। पेश ने पहला चुनवियां खबरां। वाइडन प्रशासन दौरान हजारां इकल्ले गैर कानूनी बच्चों ने की सरहद पार। चीन ने ताइवान ते कीता हमला तो अमेरिका करेगा बचा जो वाइडन। कैनेडा ते अमेरिका तो अमृतसर ले सिद्धियां उड़ाना दी मांग। सिडनी दिल्ली विचाले उड़ाना 6 दिसंबर तो। कैनेडा वालों अंतरराष्ट्रीय सफर वास्ते मनाही खत्म। कोवैक्सिन ते निर्माण दा इंतजार। WHO अधिकारी ने देरी नू लेके दसी असल वजह ते दसे अपने उद्देश। ग्लोबल वार्मिंग नू लेके अमेरिका ने भारत ते पाकिस्तान नू चिंताजनक देशों दे लिस्ट विच पाया। अमेरिका CDC ने मॉडर्ना ते J&J दी COVID-19 बूस्टर खुराक नू दित्ती हरी झंडी। ते हुणे ना खबरां दा विस्तार। अमेरिका विच हर साल इकल्ले गैर कानूनी बच्चे सरहद पार करके अमेरिका च दाखल हुंदे हन। इस संबंधी एक नवे रिपोर्ट दे अनुसार राष्ट्रपति जो वाइडन द्वारा जनवरी विच सत्ता संभालण तो बाद 1,25,000 तो वध गैर कानूनी इकल्ले बच्चे दक्षणी सरहद ते पहुंचे ने। अंकड़िया अनुसार फरवरी तो अगस्त तक 1,12,433 बच्चों ने उन्हां दे मापिआं तो बिना सरहद पार कीती। सेहत अते मनुखी सेवावां विभाग दे अंकड़िया अनुसार सितंबर अते अक्तूबर दे पहले कुछ हफ्तियां विच भी तकरीबन 15,000 होर बच्चे सरहद पार करके आए हन। जबकि रिपोर्ट अनुसार होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा अजे अधिकारित अंकड़े जारी किए जाने हन। इस रिपोर्ट के तहत बच्चे मुख्य तौर पर मध्य अमेरिकी देशों तो आते हैं, पर हाल ही विच दक्षिणी अमेरिका तो भी बच्चे यात्रा कर रहे हैं। वाइडन प्रशासन द्वारा साबका राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लागू कीतियां गईयां कुछ सरहदी नीतियां विच ढिल दित्ते जाण दे बाद गैर कानूनी प्रवासियों की अमेरिका विच आउण दी गिणती च वाधा होया है। अमेरिका दे राष्ट्रपति जो वाइडन ने कहा है कि जेकर चीन ने ताइवान ते हमला कीता तां अमेरिका उसका बचा करेगा। CNN दे टाउन हाल दौरान उन्हां अमेरिका वल्लों ताइवान दी सुरक्षा प्रति वचनबद्धता दोहराउण दा जिक्र कीता। उन्हां ने कहा कि किसी नूं भी खुद मुख्तियार मुलक ते हमले दा कोई हक नहीं है अते इस नूं बर्दाश्त नहीं कीता जाएगा। चीन वल्लों परमाणु बालण लजाण दे समर्थ हाइपरसोनिक मिजाइलां विकसित कीते जाण दीआं खबरां दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडन ने कहा कि वह चीन के इस पेशकदमी तो फिक्रमंद ने। हाइपरसोनिक मिजाइलां घट्टो घट Mach 5 की रफ्तार नाल चलती है जो आवाज की गति का 5 गुणा है। रोजाना मचा फाइनेंशियल टाइम्स ने इस हफ्ते खबर दी सी कि चीन ने अगस्त महीने परमाणु समर्था मिजाइल का परीक्षण किया। हालांकि चीन ने इस खबर को खारिज करद्या कहा कि उसने एक हाइपरसोनिक वहीकल का परीक्षण किया, ना कि परमाणु समर्था वाली हाइपरसोनिक मिजाइल का। एक प्रमुख बरतानवी रोजनामा चे ने अपनी खबर में दावा किया कि चीन ने उन्नत पुलाड़ समर्था वाली हाइपरसोनिक मिजाइल का परीक्षण किया है ते लगभग 24 मील की दूरी के वक्फे तो अपने टीचे नू फुंडन तो खुंझ गई। खबर मुताबक चीन ने एक परमाणु समर्थ मिजाइल का परीक्षण किया जिसने अपने टीचे वल तेजी नाल वधण तो पहला धरती का चक्कर कढ़िया। रिपोर्ट विच कहा गया है कि इस परीक्षण तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी हैरान हो गई ने। नैशनल पब्लिक रेडियो अनुसार यह नवा हथियार बहुत अहम होएगा क्योंकि यह अमेरिका ते दक्षिणी ध्रुव जिहे देशों तो हमला कर सकता है। रेडियो ने कहा अमेरिका दे मिजाइल रख्या ते अगाऊ चेतावनी देण वाली रडार प्रणाली उत्तरी धुर दे दिशा ते नज़र रखते ने जो अंतर महादीपी बैलिस्टिक मिजाइलों लई मानक मार्क है। लिहाजा मुल्क उल्ट दिशा तो हमले लई तैयार नहीं होएगा। भारतीय हवाई कंपनी एयर इंडिया की मालकी टाटा ग्रुप को जाण नाल कैनेडियन पंजाबियों के मनों में उम्मीद जागी है कि नवे मालक कनेडा ते अमेरिका तो अमृतसर लई सिद्धियां उड़ाणा जरूर चलाउणगे। एयर कैनेडा कई सालों तो टोरंटो ते वैनकूवर तो दिल्ली लई सिद्धियां उड़ाणा चला रही है। सूत्रों अनुसार
भारत सरकार वालों अमृतसर की प्रवानगी नहीं दी जाती। हवाई टिकटों के कारोबारियों तो पता लगा है कि कनेडा तो दिल्ली जाने वाली उड़ाणा 80-85% यात्री पंजाब के होंगे। उन्होंने दसिया कि वैनकूवर तो दिल्ली सीधी उड़ाण से एयर कनेडा का एकाधिकार होने कारण उसका किराया अक्सर आम तो ज्यादा होंगे है, तभी उसके जहाज परे ही आते हैं। ट्रैवल कंपनियों का मानना है कि टाटा ग्रुप पंजाबियों के मन जितने के यत्न जरूर करेगा। फ्लाई अमृतसर मुहिम के सह कन्वीनर अनंतदीप सिंह ढिल्लों ने दसिया कि उन्होंने पूरा भरोसा है कि कंपनी का संचालन मिलन मगरों टाटा ग्रुप अमृतसर तक सीधिया उड़ाणा के मामले में गौर करेगा। कोविड महामारी के चलदियां पिछले वरे तो उड़ाणा बंद कर दित्तियां सी अते सिर्फ कुछ चार्टर हवाई सेवावां ही सन। आस्ट्रेलिया की सब तो वड्डी एयरलाइन क्वांट्स के सीईओ एलन जॉयस ने बड़ा ऐलान किया है कि 6 दिसंबर तो सिडनी दिल्ली विचाले हवाई उड़ाणा शुरू हो जाणगियां। यह उड़ाणा हफ्ते विच 3 बार आउण जाण करनगियां। अगले वरे तो यह उड़ाणा हर रोज़ होवेगी। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दसिया कि इस उड़ाण विच आस्ट्रेलिया के पक्के रिहायशी कोविड रोकू वैक्सीन ले चुके सफर कर सकेंगे। ये फ्लाइट सिडनी तो डार्विन होंदी हुई दिल्ली जाएगी अते आधे समय दिल्ली तो सिडनी सीधी आएगी। इत्थे दसण योग है कि आस्ट्रेलियन पक्के वसनीक हजारां विच हन जिहड़े अजे भी भारत तो वापस आस्ट्रेलिया आउण दी राह तक रहे ने। इस उड़ाण नाल क्रिसमस ते कई परिवार इकट्ठे होकर रोशनी का त्यौहार मनाउणगे। कनेडा सरकार ने देशवासियों तो गैर जरूरी कारण विदेशों में जाने की मनाही खत्म कर दिती है। कनेडा वासी लोगों को समुद्री सफर तो सावधान किया जा रहा है, पर सड़की रेल और हवाई रस्ते देश विदेश जाने की कोविड तो पहला वांग खुल दे दी गई है। इसके नाल ही कोविड करके सेहत नाल संबंधित पाबंदियां जारी रहनगियां, जिस विच कोविड टेस्ट करवाउण अते टीकाकरण का सबूत कोल रखना शामिल है। इस दौरान बीते कल कनेडा सरकार ने टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी लोगों वास्ते ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिता है, जिस नाल विदेशों च दाखले समय मानता होएगी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अते उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी बीते कल ओटावा विखे सांझी पत्रकार वार्ता विच कहा सी कि देश च कोविड कारण खुसे रुजगार के मौके कामियां नूं दुबारा उपलब्ध हो चुके हैं, जिस करके लोगों नूं हुण कोविड कारण दिते जा रहे सरकारी लाभ खत्म किए जा रहे ने। देश विच अमेरिका वालों कनेडा वासियां ते विदेशियां वास्ते अपनियां सरहदां 8 नवंबर नूं खोलियां जाणगियां। भारत विच बनी कोवैक्सीन नूं अजे भी एमरजेंसी वरतों सूची विच शामिल होण दे फैसले दी उड़ीक है। WHO तो पिछले काफ़ी समय तो कोवैक्सीन नूं एमरजेंसी इस्तेमाल दी इजाजत चाहीदी है, जो कि अजे नहीं मिल सके। इस दौरान WHO दे एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इस्तेमाल लई एक टीके दा पूरी तरह नाल मुलांकण करन अते इस नूं अप्रूव्ड करन दी प्रक्रिया विच कदे कदे ज़्यादा समां लगता है, पर इह सुनिश्चित करना हुंदा है कि जो भी होवे असीं दुनिया नूं एक सही सलाह दियो, चाहे इस विच एक जां दो हफ्ते होर लग जाण। WHO हेल्थ एमरजेंसी प्रोग्राम दे कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर माइक रियान ने कहा, विश्व सेहत संगठन बहुत स्पष्ट है कि असीं चाहुंदे हां कि सारे देश टीके अपनाउणगे जो एमरजेंसी वरतों सूची विच शामिल हन। WHO सलाहकार प्रक्रिया द्वारा यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि WHO जदों अजिहे सिफारिश करता है इस नूं विश्व पद्धर ते बना रहा है। रियान हाल ही विच एक वर्चुअल प्रश्न अते जवाब दे दौरान 26 अक्तूबर तक EOL विच शामिल होण वाले कोवैक्सीन बारे एक प्रश्न दा उत्तर दे रहा सी। अमेरिका ने ग्लोबल वार्मिंग अते जलवायु परिवर्तन दे संबंध विच भारत ते पाकिस्तान नूं 10 होर देशां दे नाल चिंता वाले देशां दी सूची विच रख्या है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी दे मुलांकण अनुसार इन्हां देशां नूं आलमी तपश दा खमियाजा भुगतना पएगा। रिपोर्ट अनुसार ग्लोबल वार्मिंग दे कारण इन्हां देशां नूं सब तों ज़्यादा नुकसान होएगा। इन्हां देशां विच गर्म हवावां दीआं तेज़ लहरां जारी रहि सकदीआं ने। इन्हां देशां दे लोकां नूं सोके ते पाणी ते बिजली दी घाट दा सामना करना पै सकता है। भारत तो इलावा इस सूची विच शामिल होर देश हैं अफगानिस्तान, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरस, इराक, पाकिस्तान, निकागरुआ, कोलंबिया आदि। अमेरिकी रिपोर्ट विच कहा गया है कि खुफिया भाईचारे ने इस गल का मुलांकण किया है कि 11 देशों विच मौसम विच वधेरे तब्दीलियां ते समुंदर दे नमूनियां विच विघन का सामना कर सकते हैं। पहली बार जलवायु बारे नैशनल इंटैलीजेंस एसटीमेट्स नूं US दफ्तर के डायरैक्टर ऑफ नैशनल
इंटेलीजेंस द्वारा इकट्ठा किया गया सी, जो 16 खुफिया एजेंसियां दी निगरानी करता है। वीरवार नूं जारी की गई इस रिपोर्ट विच जलवायु चिंता दे दो खेतरां दी पछाण भी की गई है ते अफ्रीकी महाद्वीप दे देश दे नाम भी दसे गए। रिपोर्ट विच कहा गया है कि खुफिया एजेंसी ने 11 देशां ते दो खेतरां दी पछाण की है जो जलवायु परिवर्तन दे खतरे तो चिंतित हैं। रिपोर्ट विच अगे कहा गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी ते तेज चक्रवातां कारण पानी दे स्रोतां दे दूषित होण दी संभावना है। अजिहे स्थिति विच बीमारी तो पीड़ित आबादी वधेगी ते ओह लोक बीमारी नूं होर लोकां विच फैलाउणगे। इस विच अगे कहा गया है कि प्रोजैक्शन मॉडल सुझाव दिंदे हन कि भारत, अफगानिस्तान, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरस, इराक अते पाकिस्तान विच डेंगू दे प्रकोप बढ़णगे। अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने वीरवार नूं मॉडर्ना अते जॉनसन एंड जॉनसन दी कोरोना वैक्सीन दी बूस्टर खुराक नूं मंजूरी दित्ती है, जिस दे नतीजे वजो हुण लखां अमेरिकी लोक वायरस तों वाधू सुरक्षा प्राप्त करन लई बूस्टर खुराक लै सकणगे। CDC दा इह फैसला एजेंसी दे टीके संबंधी सलाहकारां दी इक घंटा चली मीटिंग तों बाद आया है, जिन्हां ने आखिरकार बूस्टर खुराक दी सिफारिश लई सर्बसंमती नाल वोट दित्ती। इस तों पहलां बुधवार नूं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इन्हां कंपनियां दे टीकियां दी बूस्टर खुराक लई परवानगी दित्ती सी। नैशनल एसोसिएशन ऑफ चेन ड्रग स्टोर्स दे बुलारे अनुसार फार्मेसिस CDC दे नाल नेड़ियों तालमेल कर रहीआं हन अते एजेंसी दीआं सिफारशां दे बाद मॉडर्ना अते जॉनसन एंड जॉनसन दीआं बूस्टर खुराकां शुरू करन लई तैयार हन। कैलिफोर्निया दे गवर्नर गैबिन न्यूसम ने बुधवार नूं इक कार्यकारी आदेश ते दस्तखत कीते जो सप्लाई चेन संकट नूं दूर करन लई स्टेट एजेंसियां नूं वख-वख समाधानां दी पछाण करन दे निर्देश दिंदा है। गैबिन न्यूसम अनुसार कैलिफोर्निया दीआं बंदरगाहां स्थानक, स्टेट अते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थावां लई महत्वपूर्ण हन, जिस लई समान दी सप्लाई नूं समर्थन देण लई वी इह कारवाई कीती जा रही है। इन्हां आदेशां तहत न्यूसम ने राज दीआं एजेंसियां नूं कहा है कि उह वधेरे वस्तुआं ले जाण लई वाहन दे भारतीय सीमा तों संभावित अस्थाई छोट लई मार्गां दी पछाण करन अते गैर राज स्थानां दी पछाण करन जो कि थोड़े समय दे भंडारण दीआं जरूरत नूं पूरा करन विच सहायता लई उपलब्ध हो सकते ने। इस तों इलावा न्यूसम ने सारियां एजेंसियां नूं वाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन सप्लाई चेन वेगन टास्क फोर्स दे नाल तालमेल करके कार्रवाइयां नूं जारी रखण दे निर्देश दिते हन। महीनियां तों चल रहा सप्लाई संकट, COVID-19 महामारी समेत कई कारकां कारण पैदा होया। इस दौरान देश दीआं दो प्रमुख बंदरगाहां लॉस एंजलस अते लॉन्ग बीच विच दाखल होण दी उड़ीक विच समुंदरी जहाज़ां दा विशाल बैकलॉग पैदा होया है। सप्लाई चेन नूं स्टोरां तक समान पहुंचाउण लई ट्रक ड्राइवरां अते रेलवे कर्मचारियां दी वी घाट हो रही है। चीन विच बने खिडौणियां दी इक खेप नूं अमेरिका विच जब्त कीता गया है। इन्हां खिडौणियां ते खतरनाक रसायणां दी परत चढ़ी हुई है। इह खिडौणे भारत दे बच्चियां विच भी बहुत मशहूर हन। अधिकारियां ने दस्सा कि US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटैक्शन फोर्स ने हाल ही विच छुट्टियां विच खरीदारी वधण दे मद्देनज़र खपतकारां नूं चेतावनी दित्ती सी कि सीमा कैडमियम अते बेरियम वर्गे असुरक्षित पद्धर दे रसायणां दी परत चढ़े खिडौणे जब्त कीते गए हन। अजिही स्थिति विच बच्चियां लई ऑनलाइन खिडौणियां दी खरीदारी करदे समें बहुत सावधान रहो। एक अधिकारित बयान मुताबक CBP अधिकारी अते एक खपतकार उत्पाद सुरक्षा कमिशन यानी कि CPSC पालना जांचकर्ता ने 16 जुलाई नूं खिडौणियां दी मुढली जांच कीती सी। चीन तों आए 6 बक्सियां दी खेप विचों लागौरी 7 स्टोन दे 295 पैकेट शामिल हन जो भारत विच बच्चियां दी पसंदीदा खेडां है। इस विच बच्चे 7 वर्ग पत्थर ते एक गेंद सुटदे हन जो एक दे दूजे ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠੂ ਜਾਂ ਸਤੋਲੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ CBP ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ 9 ਨਮੂਨੇ ਸੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੇ ਸੀਸਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਅਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲੇਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBP ਨੇ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਵਿੱਚ CBP ਦੇ ਏਰੀਆ ਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮ ਰੌਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
अमेरिका विच भारत दे राजदूत तरनजीत सिंह सिंधू ने इस साल दी प्रवासी भारतीय नाम जेतुआं नूं सन्मानित करदे होए भारतीय अमेरिकी प्रवासियां नूं दो वड्डे लोकतंत्रां विच मजबूत हुंदे संबंधां दा इक प्रमुख थंम दस्सिया है। प्रवासी भारतीय सन्मान इनाम प्रवासी भारतीयां नूं दित्ता जाण वाला सर्वोच्च सन्मान है। राजदूत संधू ने वीरवार रात आयोजित सन्मान समागम विच कहा, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀਵੰਤ ਪੁਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਪਾਪੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਫੁਕਨ, ਨੀਲੂ ਗੁਪਤਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊਜਰਸੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਕਿਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰ ਜ਼ੋਨਲ ਗੱਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਪਾਰੰਪਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੌਂਸਰਡ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਾਂਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਟਕੋਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਟਕੋਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 2 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਰਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਸਲੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 4:24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਟਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਨੰਗਰਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
5 तो 11 साल उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन के टीके लाने की चर्चा दरमियान कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हेल्थ कैनेडा तो हरी झंडी मिलन मगरों फाइजर वालों 29 लाख टीके सप्लाई किए जाएंगे जो इस उम्र वर्ग की आबादी वेखद्या काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि मापियां थोड़ा सबर रखना होगा जो अपने बच्चों जल्द तो जल्द टीका लगवा चाहते हैं। पत्रकारों नाल गलबात करदिया प्रधानमंत्री ने आख्या कि हेल्थ कैनेडा वालों बच्चों लिए पेश दवाई की घोख की जा रही है और इस वैक्सीन प्रवानगी तो बाद ही बच्चों टीके लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दस दिए कि फाइजर वालों पिछले दिन 5 तो 11 साल उम्र वाले बच्चों लिए वैक्सीन प्रवानगी दे अर्जी दाखिल की गई सी। ग्लासगो विच इस महीने के अखीर तो शुरू हो रहे COP26 जलवायु सम्मेलन विच विश्व भर के नेता शमूलियत कर रहे हैं जिन्हां विच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी शामिल हैं, पर इस सम्मेलन लिए बहुत ही प्रमुख देश रूस के राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन शामिल नहीं होंगे। इस संबंधी क्रेमलिन के बुलारे ने पुष्टि करदिया दसिया कि पुतिन की जगह रूस के होर नुमाइंदे गलबात शामिल होंगे, हालांकि वह वीडियो कॉन्फ्रेंस राही हिस्सा ले सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसा के विश्व के चौथे सब तो वड्डे निकासकर्ता रूस के नेता का जलवायु सम्मेलन में शामिल न होने का फैसला एक शिखर सम्मेलन लिए चिंता का विषय है। स्कॉटलैंड 31 अक्टूबर तो 12 नवंबर तक COP26 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिस विच ग्लोबल वार्मिंग होर जलवायु समस्यावां नाल निजिठण लिए विश्व नेतावान दरम्यान गलबात होगी। रूस साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट जो कि रूसी भूमि के 65% हिस्से नू कवर करता है अते महत्वपूर्ण मात्रा विच ग्रीन हाउस गैसा नू छड़दा है दे पिघलन नाल ग्लोबल औसत नालों 2.8 गुणा तेजी नाल गर्म हो रहा है। जबकि पुतिन ने पिछले हफ्ते कहा सी कि रूस 2060 तो बाद कार्बन निरपक्ष बनने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों विच ऊर्जा मिश्रण विच हाइड्रोजन अमोनिया अते कुदरती गैस की वड्डी भूमिका होने की संभावना है अते रूस जलवायु तब्दीली नाल निजिठण दे तरीकियां ते गलबात लई तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान ने उन्होंने इस गल का भरोसा दिता है कि अफगानिस्तान की सरजमी तो किसी भी अतवादी संगठन को पाकिस्तान खिलाफ अतवादी गतिविधियां की इजाजत नहीं दी जाएगी। कुरैशी ने काबुल विच अपने एक दौरे तो बाद वीरवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कहा कि तालिबान ने स्पष्ट कर दिता है कि ना तो पाबंदीशुदा तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ना ही पाबंदीशुदा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा अफगानिस्तान की जमीन की वरतों करने की आग्या दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य अफगानिस्तान एक तालमेल वाली खेतरी पहुंच पैदा करना सी। कुरैशी ने कहा कि तालिबान नू दस्या गया कि किवें पाकिस्तान पूरी दुनिया नू अफगानिस्तान विच सहायता प्रोग्रामां लई बेनती कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय भाईचारे नू अपील कर रहा है कि वह देश की अर्थव्यवस्था नू ढह ढेरी होने तो बचाउण। प्रेस कॉन्फ्रेंस विच विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान नू 5 बिलियन पाकिस्तानी रुपए रकम देने की मानवतावादी सहायता प्रदान करने वाले भी गल की। न्यू मैक्सिको के एक फिल्म सैट से शुक्रवार को अमेरिकी अदाकार वलादिमीर ने महिला सिनेमेटोग्राफर को गोली मार दी, इस कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना में फिलहाल निर्देशक भी जख्मी दसे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह घटना सेंटा फे फिल्म सैट से हुई। वलादिमीर फिल्म में मुख्य रोल निभा रहे थे। शूटिंग दौरान वलादिमीर ने प्रॉप गन नाल गोली चला दी जिस कारण महिला सिनेमेटोग्राफर की मौत हो गई। दसाया जा रहा है कि अजे तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि वह घटना की छानबीन कर रहे हैं। सरी दे सुमिंदर सिंह गरेवाल दा गोलियां मार के कतल करन दे मामले विच बीते जून महीने विच दोषी ठहराए गए 2 कातलां कैलविन जूनियर पावरी हुकर अते नाथन जेम्स डी जोंग नू अज उम्र कैद दी सजा सुनाई गई। बीसी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए दोवां हमलावारां नू 20 साल तक कोई पैरोल नहीं देण दे हुक्म भी दिते। बीसी सुप्रीम कोर्ट दे जज माइकल जे ब्रुंडरेट ने बीते 10 सितंबर नू जुबानी तौर ते यह फैसला सुनाया सी कि 2 अगस्त 2019 नू सुमिंदर सिंह गरेवाल दा गोलियां मार के कतल करन दे केस विच 2 अपराधियों नू फर्स्ट डिग्री मर्डर दा दोषी ठहराया गया। सुमिंदर सिंह गरेवाल एली नाम नाल भी जाणिया जांदा सी जिसने कुछ साल पहला ही अपराध दी दुनिया विच कदम रख्या सी। अदालती दस्तावेजा मुताबक 2 अगस्त 2019 दी सवेर जदों सुमिंदर गरेवाल अपनी कार च
ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਸਰੇ ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਊਥ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟਾਰ ਵਰਕ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੈਲਵਿਨ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਵਰੀ ਹੁਕਰ ਨੌਥਨ ਜੇਮਸ ਦੀ ਜੌਂਗ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਮੀਲਾ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਕੌਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦਰਜਨ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੰਡਸਰ ਮਹਿਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੰਗਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 95 ਸਾਲਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਮੱਧ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ ਆਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਡਸਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੈਰੀ ਲੇਬੋਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ 7ਵੇਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਰਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ISI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਅਰੂਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਲਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਨੇ ਪਲਟਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।